अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इन दिनों जब मीडिया में तवातुर से मुख्तलिफ सियासतदानों की पीटीआई ज्वाइन करने की खबरें आ रही हों, मारवी मेमन ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। जबकि अगर थोड़ा सा माजी में देखें तो घोट की जलसे और दीगर जो पीटीआई के धरने होते थे उसमें मारवी की शिरकत ये तासुर दे रही थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ये आ रहा था कि वो भी पीटीआई को प्यारी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, इसके पीछे भी एक तवील दास्तान है, लेकिन फ़िलहाल नून लीग ज्वाइन करने का जो मारवी ने जवाज़ पेश किया वो जवाज़ ये था कि उन्हें अपने इस 3 साल सियासी करियर में ये एहसास हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट की जमातों में रहकर सियासत नहीं की जा सकती। मुख्तसर सा सवाल मेरा ये है कि क्या इनका इशारा पीटीआई की जानिब था, और क्या नून लीग के अलावा तमाम ही जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं। नज़रीन, हम इस पर बात करेंगे और हम आपको ये बताएँगे भी एग्जैक्टली कि मारवी मेमन ने कहा क्या। इस पे हमें दो चीज़ें आज जिन पे हमें खुल के बात करनी है। एक तो ये कि नज़ीर लगारी साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्टिव पार्टीज़ के बारे में जो इतना कहा जाता है, तो कौन कौन सी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनमें हमने ये समझा या ये पता चला कि उनकी तश्कील में इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई रोल रहा हो, या फिर तश्कील के बाद वो किसी ना किसी मौके पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल हुई हो। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे कि पीटीआई के साथ एग्जैक्टली मारवी मेमन की क्या किन नुकात पे मामला नहीं सही बैठा और क्या वजह थी कि फिर वो नून ली, क्योंकि पीटीआई और नून ली दोनों एक 90 डिग्री का जो डिफरेंस हम इसमें देखते हैं कि मतलब कहाँ तो आप पीटीआई अटेंड करते करते या उसमें ज्वाइनिंग देते देते अचानक आपने एक यू-टर्न लिया और आप नून लीग में शामिल हो गई, और आज उसी नून लीग के जो लीडर्स हैं उनके आप गुण गा रही हैं। मारवी मेमन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पार्टीज़ के लिए एग्जैक्टली जो वर्ड्स इस्तेमाल किए या ये जो जुमला उन्होंने अदा किया वो क्या था, आइए पहले वो देखते हैं। 3 साल मुझे लगे ये समझने में कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात में रह के सियासत नहीं हो सकती और उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। काफ़ी सियासतदान 15-15 सालों की सियासत के बाद मुझसे 20-20 साल सीनियर, 40-40 साल सीनियर मुझसे अभी तक नहीं समझ सके हैं और उसी सहारे से कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करने के लिए। नज़ीर, मारवी मेमन जो 3 साल में समझ गई वो बड़े बड़े सियासतदान 20-20, 40-40 साल में नहीं समझे कि जो इस्टेब्लिशमेंट की जमातें उनमें रह के सियासत नहीं हो सकती। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नज़ीर लगारी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो बात होती है कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं, कल जो मारवी मेमन ने जवाज़ पेश किया कि उन्होंने नून लीग का इंतखाब क्यों किया, उन्होंने कहा कि जो दीगर पार्टीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं और उनको इस 3 साल करियर में अंदाज़ा हो गया, ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी की तारीफ़ क्या होती है? उसके बाद मैं आपसे ये जानूंगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ कह सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी उसको कहना चाहिए, हमारा ख्याल है कि एक मुतय्यन तारीफ तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की बात हो रही हो तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत तालमेल करके और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और उसके साथ मिलजुल कर एक ऐसा सेटअप तख्लीक करने के लिए काम करती हो जो बराह रास्त उन इदारों के फायदे के लिए काम करती हो, अवाम के इज्तमाई फायदे की बजाय रियासती सर्विसेज या रियासती इदारों को की तरफ देखती हो। इदारों को देखना भी बहरहाल कोई बुरी बात नहीं है, इदारे तो आपके बुनियादी तौर पर 3 ही हैं, जो अदलिया है और इंतजामिया है और आपकी पार्लियामेंट है, लेकिन बाकी सर्विसेज होती हैं चाहे वो सिविलियंस हों या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो। तो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का या सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का कासा लेसी करके उसकी तुफ तुफैली बनके और उसके मातहती कबूल करके और उसके साथ मिलकर अवाम के इख्तदार आला को उसके खिलाफ साजिश करना जो होता है वो इस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आपने फरमाया कि जो रियासती इदारों का जो मफाद होता है उसमें अवाम का मफाद नहीं होता, तो ये जो रियासती इदारे हैं ये अवाम के मफाद से हटकर है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कहा है कि रियासती इदारों का हमनवा होना बुरी बात नहीं, लेकिन सर्विसेज के तुफैली बन जाना वो बुरी बात होती है कि हम अगर कोई पार्लियामेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, कोई अदलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, अगर कोई पार्टी जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर, आखिर इक्तदार पर शासी पार्टियां आती हैं तो इन 3 इदारों में ही होती हैं और उन 3 इदारे जो हैं वही रियासत के हैं, उनके साथ ही इनको इक्तदार में आना पड़ता है। लेकिन जो सर्विसेज में जाकर सिक्योरिटी जो 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 हमारी, क्योंकि
पाकिस्तान की स्टेट जो है अपनी नौयत के एतबार से सिक्योरिटी स्टेट है और इस पर बालादस्ती रहती है सिक्योरिटी इदारों की, तो उनके साथ जो तालमेल करके और उनके साथ जो गठजोड़ करके अवाम के इकदार आला को पर जो है शक खून पड़ता है, और अवाम का इकदार आला जब छीन लिया जाता है तो यकीनन जो पार्टी अवाम के इकदार आला को छीनने के लिए जो है वो अगर साजबाज में शरीक होगी तो अवाम दोस्त पार्टी नहीं होगी। और ना ठीक है, मुझे नज़ीर लगाई साहब ये भी बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बात बड़ी आम है कि कोई सियासी पार्टी उस तक पनप ही नहीं सकती जब तक उस पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो या उसकी बैक ना हो या उसकी सपोर्ट ना हो, इस बात में कितनी सदाकत है? और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी तश्कील हुई वो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने की या उनको रोल रहा उसमें इस्टेब्लिशमेंट का? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान बनाने के बाद मुस्लिम लीग जो है वो ताबे हो गई इस्टेब्लिशमेंट के। पहले पहले जो है उन्होंने कायद आजम से कहा कि जनाब आप चूंकि गवर्नर जनरल मुंतखब हो गए हैं और आप चूंकि कानून साज असम्बली के सदर हो गए हैं इसलिए आप जो है पार्टी के सदर छोड़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिविलियन और ब्यूरो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जो कासल सियासी कुवतें थी उनकी तरफ से और फ्यूडल कुवतों की तरफ से कायदे आजम को मुस्लिम लीग की सदारत से बाकायदा हटाने का मैसेज दिया गया था और ये वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद यानी पाकिस्तान बनने के पहले साल ही ये रोल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्ले होना शुरू हो गया। कायदे आजम को हटा दिया गया था, कायदे आजम जो है वो पार्टी के सदारत के लिए जो है वो उनके पास थी सदारत, लेकिन इन्होंने कहा कि जनाब आप मुंतखब हो गए, लिहाजा उन्होंने भी बड़े बाउसूल आदमी थे और बहुत ही दानिशमंद कहे थे, उन्होंने इस सूरत हाल के पैदा होने से पहले ही अपने आप को इससे अलग कर लिया। लेकिन उसके बाद सियासत पर कब्जा हो गया गुलाम मोहम्मद का और चौधरी मोहम्मद अली का, ये ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी जनरल थे मोहम्मद अली और पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना थे, अगरचे इनका कोई सियासी अमल नहीं था, तारीख पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं था पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना का और लोगों का भी, वजीर खारजा का भी कोई किरदार नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग के हवाले से तो आपने कह दिया क्योंकि पाकिस्तान बनाया मुस्लिम लीग ने और उसके बाद पाकिस्तान के बनने के पहले साल ही इस्टेब्लिशमेंट का रोल वहां पर आके वो एक्टिव हुई और उन्होंने अपनी जो थी शरायत या अपनी तजावीज वो सामने लेकर आने लगे, करना शुरू कर दी थी मनमानी। ठीक है, अभी मुझे बताएं ये जो हालिया हमारे यहाँ पोलिटिकल पार्टीज है, जिस तरह से मैं बात क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैं डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि कल मारवी मेमन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज में रहते हुए सियासत नहीं की जा सकती, उनका इशारा यकीनन कहीं ना कहीं पीटीआई की जाने भी था क्योंकि पहले यही तासर मिल रहा था कि वो पीटीआई को ज्वाइन करेंगी। तो अभी जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे इर्द गिर्द जिनके नाम हमें रोज सुबह शाम सुनाई देते हैं, इनमें कौन कौन सी अभी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज मानी जाती हैं? दो टोक बात आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको आप जो है उनके अंदाजे सियासत को देखकर आप कह सकते हैं कि ये इनका क्या होगा, यानी जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल है वो लगती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जो है एक तंजीम है वो आगे बढ़ाई जा रही है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग भी आए और उनके जो हमनवा है और उनके उनकी पॉलिसियों की हाँ में हाँ मिलाने वाले पर बढ़ चढ़ कर, असल में ये तनकीद भी बढ़ चढ़ कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे जनाब ये फौज पर और जनरलों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं लेकिन असल अच्छा, में पॉलिसीज की। अच्छा, दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का आपने नाम लिया नज़ीर लगाई साहब, जरा मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी माजद के साथ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे इर्द गिर्द उनके हवाले से मैं बात करूंगी। नाज़िर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हमारे साथ रहिए।